गाइस हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जगतपुरा फाटक पे, और जगतपुरा फाटक से जो हमें 7 नंबर बस मिलने वाली है कुछ ही देर में आ जाएगी, और सामने आ गई है 7 नंबर बस, तो चढ़ते हैं और आइए आपको। 7 नंबर गाइस बस खड़ी है, तो देखते हैं निकल ना जाए। सामने की तरफ 7 नंबर बस, तो पहले चढ़ जाते हैं। तो फाइनली बस हमें मिल चुकी है और बस के अंदर बैठ गए हैं। ज़्यादा सवारी नहीं है, लोकल और बस है। बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है, तो आइए बाहर दिखा देते हैं आपको। कुलदीप जो जयपुर के हैं यहीं स्टडी करते हैं, और एक मिनट मैं पहले कन्फर्म कर लेता हूँ। होम टाउन का आपका ब्रदर बालाजी, तो ब्रदर का जो घर है वो होम टाउन है जो मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ के रहने वाले हैं और जयपुर के अंदर इस वक्त ये स्टडी करते हैं। तो इन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया और फिर मैंने इनको यहाँ बुलाया, तो आज हम भैया जी के साथ ही यहाँ इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलो चल, यहाँ पे आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जिस जगह को घूमने के लिए आए हैं। तो उस जगह के बारे में आपको बताते हैं कि पीछे आप देख सकते हो मेरे पीछे क्या है। तो मैं हूँ इस वक्त हवा महल के बाहर। ये है हवा महल का सामने का गेट, जो मुकुट है, मेन गेट है वो पीछे की तरफ है। और आपको बता देते हैं कि अगर आप हवा महल आ रहे हो तो सबसे पहले आप बड़ी चौपड़ आइए। बड़ी चौपड़ से जस्ट 2 मीटर के आसपास आपको हवा महल मिल जाएगा। हवा महल का बाहर का जो व्यू है ये आपको पीछे की तरफ दिख रहा है। हवा महल का जो निर्माण हुआ था 1799 के अंदर हुआ था। हवा महल के अंदर 953 छोटी छोटी आपको खिड़कियां देखने के लिए मिल जाएगी। तो पीछे की तरफ देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ पर घूमने के लिए लोग आए हैं। कोविड का जो चल रहा है उसके कारण थोड़ी सी यहाँ पर कम है लोग, बट फिर भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। तो अंदर की तरफ ही जाना है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर बड़ी चौपड़ के पास स्थित है हवा महल। तो चलिए चलते हैं हवा महल के अंदर। हवा महल के अंदर एंट्री से पहले बाहर जो मार्केट है वो मार्केट आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो मार्केट पीछे देख सकते हो आप, खूबसूरत सी मार्केट है। तो थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं मार्केट का, आइए। गाइस चलते हैं फिर अंदर की तरफ। अब हमें यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, बट फिर भी जो हमारे साथ ब्रदर है कुलदीप, तो वही हमें लेके जा रहे हैं। तो सामने की तरफ कुलदीप भैया चल रहे हैं। तो ये आपको बता दें, क्या हमको बता दें कि नीचे है प्लेटफार्म, मतलब मेट्रो का स्टेशन, बड़ी चौपड़ मेट्रो का स्टेशन है। तो उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इधर चलते हैं वापस। आ जाइए आप भी आते हैं। महल के जो पिछला गेट है उसके पास पहुंच गए हैं, तो अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अंदर का व्यू कैसा है। जो होगी बातें आपको बताएंगे। तो जी हवा महल के अंदर एंट्री हो चुके हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। जो यहाँ गाइस ये है हवा महल के अंदर की तरफ का जो एंट्री का गेट है, एंट्री का गेट ये सामने की तरफ आप देख सकते हो। जो यहाँ की एंट्री फीस होगी वह भी अभी देखते हैं आगे क्या होने वाली है एंट्री फीस। तो एंट्री फीस के लिए अंदर जाएंगे, बट उससे पहले जो हमारे कुलदीप ब्रदर है वो गए हैं वॉशरूम के लिए, वो आ जाते हैं उसके बाद एंट्री करेंगे। जी एंट्री टिकट ले लेते हैं जी। तो टिकट ले लिया जी, और यहाँ से अब एंट्री होकर हम बढ़ जाएंगे अंदर की तरफ पहले गेट के ऊपर। तो जी सामने भैया है और यहाँ और ये टिकट चेक, तो भैया को टिकट चेक करवा देते हैं। फाइनली एंट्री हवा महल के अंदर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। तो हवा महल के अंदर बाकी यह है इलाका छोटा है, अंदर की तरफ ज़्यादा है। तो चलो चलते हैं हवा महल के अंदर। एंट्री करते ही आपको खूबसूरत सी
अंदर हवेली देखने को मिलेगी। हवेली के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स है तो देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। छोटी सी एक चीज़ मिली जिसके अंदर महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है, तो पीछे की तरफ देख सकते हो बुक्स मिल जाएगी आपको, और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर क्या कुछ किया था देश के लिए उस चीज़ के बारे में देखिए आप। लंबी लिस्ट है और लंबी ये देखिए आप लगा रखे हैं कि हाँ भाई इन्होंने किस वक्त क्या काम किया था, कैसे किया था, देश के लिए क्या कुछ किया था, तो उसी चीज़ को है तो एक बार आपको दिखा देते हैं। तो जी इस जगह को विजिट करने के बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर, अपने नंबर और अपने बारे में लिखना पड़ता है कहाँ के, तो आइए हम लिख देते हैं। तो लिख देते हैं संदीप कुमार फरोकी फ्रॉम श्री गंगानगर से, तो चलते हैं फिर आगे। हवा महल के अंदर ऐसे आपको छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कमरे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। अंदर बढ़ के आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, सामने की तरफ देख सकी देखिए आप क्या खूबसूरत सा जो व्यू है, छोटे छोटे कमरे हैं, जो खिड़की हैं सामने आप देख सकते हो दोनों तरफ कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये गेट है इस तरफ, तो दूसरा गेट, तो इस तरफ आप देख सकते हो छोटे छोटे किस प्रकार पिलर लगे हुए हैं, पिलरों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। खूबसूरत सा जो यहाँ का व्यू है वह आज आपको दिखा रहे हैं, और ये देख सकते हो छोटी छोटी खिड़कियां हैं। तो आपको बता दें कि हवा महल के अंदर जो खिड़कियां हैं वह 953 खिड़कियां हैं, 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं। तो ये पीछे आप देख सकते हो छोटी छोटी खिड़कियां हैं, ये देखो जिस प्रकार ये लगी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल छोटा है खिड़कियाँ। ये छोटी खिड़कियाँ क्यों लगी थी और क्यों बनाई गई थी उसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक बार। आपको पता है पहले किस प्रकार महिलाओं को घूंघट के अंदर रहना पड़ता था, बाहर देखने की आज़ादी नहीं होती थी, इसके कारण ये छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई थी कि बाहर की तरफ कोई प्रोग्राम हो या सड़क का कुछ देखना हो, सीन देखना हो, तो बिना बेझिझक आप देख सकते हो, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। यहाँ से आप पूरा बाहर का व्यू देख सकते हो, खूबसूरत सा व्यू जो हमने पहले आपको देखिए कितनी छोटी छोटी खिड़कियाँ लगे हुए हैं। कोई चीज़ खुली है, ये देखिए ऑफ है, इनको जोड़ के बंद किया गया है कि ज़्यादा खिड़कियाँ ना खोले। हवा महल विजिट कर रहे हैं आज, और हमारे जो साथ आपको बताया कुलदीप भैया हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कुलदीप भैया से कैसे आप। तो भैया पहले नहीं आए, एक बार भी नहीं आए पहले आप, तो मतलब आप फर्स्ट टाइम मेरे को एक्सप्लोर करवाने के लिए मेरे साथ आए हो। तो भैया मेरे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, खुद भी फर्स्ट टाइम आए घूम इंजॉय करने के लिए और मुझे भी। तो भैया ने बोला कि रोकी भाई आपको हम एक्सप्लोर करवाएंगे, तो चलो चलते हैं साथ में। तो भैया के साथ साथ हम भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब जी आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। प्रताप मंदिर महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के निजी कक्ष, जिसमें उनके आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की स्वयं प्रतिमा एकांत में भक्ति हेतु स्थापित थी। सवाई प्रताप सिंह जी एक महान कवि व श्री कृष्ण के अनंत भगत थे। उनका यह खड़ा पुतला प्रभु के प्रति प्रेम व विश्वास को दर्शाता है। सामने आप देख सकते हो, सामने जिस प्रकार हाथ के अंदर जो इनके कलम है, कलम से ये लग रहा है जैसे इन्होंने अभी ही कविता लिखी हो। और आप देख सकते हो सामने एक एक चीज़ के बारे में। Or you can see in his right hand there's a figure and also a table here. He was a great devotee. He was also a great devotee of Lord Krishna. So most of his points were dedicated to Lord Krishna. Every day he got at least 5 points and dedicated to Lord Krishna. One of his famous points is written here, see. इस तरफ जो है प्रताप मंदिर है, प्रताप मंदिर का जो अर्थ है आगे आपको पता चलता रहेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये जो खिड़की आपको दिख रही है जो इसके अंदर वही चीज़ है, इसी को कहा जाता है प्रताप मंदिर। देखिए आप क्या खूबसूरत सी, ऐसे आपको लग रहा है जैसे देखिए फूल हो एक खूबसूरत सा। तो यही एक प्रेम मंदिर है, प्रताप मंदिर है सॉरी। और सामने आप देख सकते हैं सवाई प्रताप सिंह जी की जो
प्रतिमा है वह तैयार की हुई है। क्या खूबसूरत सी प्रतिमा लग रही है आपको, आप देख सकते हो सामने। तो अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, यह यहाँ का एग्जिट गेट है, तो यहाँ से निकलते हैं और सामने ब्यूटीफुल सा जो व्यू दिख रहा है वह आपको दिखा देते हैं। इस तरह आप देख सकते हो जो ये खिड़कियाँ हैं, ये गेट है, ये बंद किए हुए हैं। हाँ, तो फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर कर लिया है और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। कमेंट करके बता दें कि यह ब्लॉग आपको कैसा लगा। नए हो तो चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सेकंड एपिसोड में।